क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न ही मरती है, ना तो यह शरीर तुम्हारा है, नहीं तुम इस शरीर के हो। यह शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन सब चीजों से मिलकर बना है, आखिरकार इन सब में ही मिल जाएगा। लेकिन यह आत्मा स्थिर है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो, वही तो एक नया जीवन है। दुख और तकलीफ इंसान को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उसके योग्यता और आत्मविश्वास का इम्तिहान लेने के लिए आते हैं। यदि आप समस्या का हल निकाल सकते हैं, तो फिर चिंता क्यों? और यदि समस्या का कोई समाधान नहीं है, तो फिर चिंता करने का भी कोई फायदा नहीं। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। जो आज तुम्हारा है, वो कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लेकर आए थे जो तुमने खो दिया? तुम ना कुछ लेकर आए थे, ना कुछ लेकर जाओगे। जो कुछ लिया, वह यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो कुछ भी तुम्हें मिला, वह भगवान से मिला। जो तुमने दिया, वह भी भगवान को ही दिया। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका तुम पछतावा ना करो और भविष्य की चिंता भी ना करो, अभी तो वर्तमान चल रहा है, तुम वर्तमान का आनंद उठाओ। एक समझदार व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को उसी तरह से दूर कर लेता है जिस तरह से एक स्वर्ण का चांदी की अशुद्धियों को चुन चुन कर, थोड़ा थोड़ा करके और इस प्रक्रिया को बार बार दोहरा कर दूर कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में तुम एक ही क्षण में करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, तो वही दूसरे क्षण दरिद्र भी बन जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, इन सब चीजों को अपने मन से निकाल दो, फिर सब कुछ तुम्हारा है, तुम इन सब के हो। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना, किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, मेहनत करने वालों के नहीं। आप अपने विचारों को बदले, निश्चित रूप से यह विचार आपके जीवन को बदल देंगे। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, ना कोई परिवार, ना दोस्त, ना कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। अगर ईश्वर ने आपको नई शुरुआत करने का मौका दिया है, तो पुरानी गलतियों को फिर से मत दोहराइए। क्रोध में कभी वो सब कुछ मत गवाए जो आपने शांत रहकर कमाया है। जो काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और कठिन है, सबसे पहले उसको करो। लाइफ में जो भी होता है, वो किसी वजह से होता है, या तो वो आपको कुछ बना कर जाता है, या फिर सीखा कर। मतलब ना हो तो लोग बोलना तो दूर, देखना भी छोड़ देते हैं। इसलिए अपेक्षा सिर्फ खुद से रखिए। जीवन ना तो भविष्य में है, ना अतीत में, जीवन तो इस क्षण में है। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा, यो किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति एक बड़ी खुशी को देख पाता है, तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़े से आराम को छोड़कर बड़ी खुशी को हासिल करे। जीवन की यात्रा में विश्वास आपको पोषण देता है। अच्छे काम एक घर की तरह है, ज्ञान दिन की रोशनी की तरह है, और सजगता आपको सुरक्षा देती है। खतरा दुश्मनों से नहीं, आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद के कारण डूबती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति, और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का ही अंतर है, लेकिन चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को जलाती है। आपके पास जो कुछ भी है, उसे बड़ा चढ़ा कर मत बताए, और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए।
जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। दुनिया हमेशा से प्रशंसा करने और दोष निकालने का रास्ता ढूंढती आई है, यही होता आया है और यही होता रहेगा। जो व्यक्ति स्वयं से सच्चा प्यार करता है वह कभी दूसरे व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाता है। जो व्यक्ति विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होते हैं उन्हें शांति अवश्य प्राप्त होती है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले बातों में ही रह जाते हैं और हल्के से मुस्कुराने वाले बहुत कुछ कह जाते हैं। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। एक मिनट लगता है रिश्तों का मजाक उड़ाने में, लेकिन हम भूल जाते हैं जिंदगी रिश्तों से ही सचती और संवरती है। मन में जो है साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है, मंजिल को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते। आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। अपनी जिंदगी में अगर वाकई कुछ हासिल करना है तो अपने तरीकों को बदलो, अपने इरादों को कभी नहीं। हर किसी को दिल में उतनी ही जगह दो जितनी वो देता है, वरना या तो खुद रोओगे या वो तुम्हें रुलाएगा। कामयाब होने के लिए अपने मेहनत पर यकीन करना होगा, क्योंकि किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। तुम्हें हराकर कोई तेरी जान भी ले जाए तो भी मंजूर कर लेना, लेकिन धोखा देने वाले को दोबारा मौका नहीं देना। यदि जीवन में लोकप्रिय होना हो तो सबसे ज्यादा आप शब्द का, उसके बाद हम शब्द का और सबसे कम मैं शब्द का उपयोग करना चाहिए। यदि आप कोशिश करते हो और कुछ भी हासिल नहीं होता तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन यदि आप जरा भी कोशिश नहीं करते और हार जाते हैं तो इसमें पूरी आपकी ही गलती है। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचे और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करे। जिससे किसी को उम्मीद नहीं होती अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। जो मनुष्य जी पाकर भी श्री राधा कृष्ण का कीर्तन नहीं करता है वह दुर्बुद्धि मनुष्य, मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करता। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। अपने अंदर करुणा रखो, आवेश नहीं, मेघ की वर्षा से पुष्प खिलते हैं उसकी गर्जना से नहीं। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चे व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। जिस प्रकार एक दिया अपना प्रकाश कम किए बिना हजारों दियों को जला देता है, उसी प्रकार खुशियों को बांटा जाए तो खुशियां कम नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अगर तुम समस्त सांसारिक दुखों से छुटकारा चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता है वह न तो इस जीवन में और न ही जीवन के बाद के जीवन में शांति को प्राप्त कर पाता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें, और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय श्री राधे कृष्ण।